डॉक्टर? हाँ, मैं साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट। हमारे साथ अभी ईसा झा जी मौजूद है, जो भारतीय समानतावादी मूवमेंट चला रही है कि देश में सभी लोगों को आरक्षण का जो पद्धति है उसमें बदलाव हो और सबको समान अवसर मिले। तो जैसे कि अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा है, काफ़ी सारे आंदोलन हुए। अभी डॉक्टर APC जी बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोग इसके खिलाफ एक लोकहित याचिका दायर करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल में SC ST और OBC वर्गीकरण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए और उसको जिस तरह से केंद्र सरकार ने उस फैसले को बदल दिया, तो उस स्थिति में आप मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट से आपके मूवमेंट के पक्ष में, चाहे आप लोग जो मुद्दा उठा रही है उसके पक्ष में फैसला आने के बाद क्या गारंटी कि सरकार उसको नहीं बदल देगी? देखिए, जहाँ तक हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब इस फॉर द पीपल, मतलब जनता के लिए। अगर आप जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो आप किसके लिए काम कर रहे हैं? ये आत्मनिरीक्षण, आत्मपरीक्षण जो है सरकार को करना बहुत ज़रूरी है। अगर जनता जागृत हो जाती है कि बहुत हो गया, वोट बैंक पॉलिटिक्स बहुत हुआ, अब जो है हमें खड़े होना है समानता के लिए हर क्षेत्र में, तो मुझे लगता है कि सरकार भी विवश हो जाएगी अपने फैसले को बदलने के लिए और देश में समानता लाने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये वोट बैंक पॉलिटिक्स, या आप इसे कहें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ब्रिटिशर्स ने, जो अंग्रेज थे, उन्होंने हम पे 200 साल रूल किया, उन्होंने हम पे जो है अपना हुकूमत जमाया 200 साल तक। एक ही पॉलिसी थी उनकी, डिवाइड एंड रूल, लोगों को बांटो और राज करो, और उसके बाद जो है ये पॉलिसी चलती रही। जितने भी गवर्नमेंट्स आए सब ने जो ये पॉलिसी बखूबी चलाया। तो अब बहुत ज़रूरी है कि जनता जागरूक हो। हम यही जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जागरूक होइए और अब जो है समानता की बात करिए। क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट को देखिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करता, वो ये नहीं कहता कि हम अच्छी स्कूल्स बनाएंगे हर एक गांव में, जो है हर गांव के बच्चे को हम वी विल मेक श्योर, हम ये जो है पूरी तरह से जो है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि हर बच्चा स्कूल जाए, हर बच्चे को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, इसकी बात नहीं करता। वो सिर्फ रिजर्वेशन की बात करता है, एक वर्ग को रिजर्वेशन दे दो, उनका वोट बैंक आप ले लो, बस इसी की बात करता है। जहाँ तक वोट बैंक की बात है, तो जो भी राजनीतिक पार्टियाँ वोट बैंक की राजनीति करती है, अक्सर हम लोगों ने देखा है कि आपने भी कहीं कहीं पर सुना होंगे या देखी होंगी कि जैसे जो भी वर्ग, पिछड़ा वर्ग, OBC की या दलित वर्ग की राजनीति करती है, जो मुक्त रूप से आरक्षण के दायरे में है, उनमें अक्सर इस बात को उठाया जाता है कि 5000 सालों तक मनुवादी संस्कृति के लोगों ने हमको दबाया, अब हमें 70 साल से मौका मिला है, इसमें भी ये लोग को रास नहीं आ रहा। तो एक जो उस तरह के जो विचार खास करके एक समाज के बहुत बड़े वर्ग में प्रतिरूपित कर दिया गया, उसके खिलाफ आप किस तरह से? मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कौन से कानूनी किताब में ये लिखा हुआ है कि जो गलती, एक तो पहले हम नहीं जानते कि क्या था, लेकिन जो गलती हमारे दादाओं या परदादाओं ने की उसकी सज़ा हमें मिले, कहाँ लिखा हुआ है? लेकिन एक सोच है ना, जैसे आप आरक्षण के खिलाफ बोलिएगा तो सीधा सीधा ये मामला उठेगा कि मनुवादी सोच वाले लोग इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो उससे माइंड सेट है उसको, उससे आप कैसे निपट पाइएगा? वही तो हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, हमें लोगों में जागरूकता जगाने की ज़रूरत है कि ये कुछ वर्ग लोगों को बांटना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीति का जो व्यापार है, राजनीतिक बिजनेस चलता रहे उनका, लोगों का कल्याण हो या ना हो उनमें कोई रुचि नहीं रखते हैं। कारण कि हाल फिलहाल में देखा गया जब SC ST के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि बिना जाँच के किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तो उसके खिलाफ किस तरह से आंदोलन, हिंसा भड़के, और उसके बाद सरकार ने अंततः उस कानून को और मजबूती के साथ लागू कर दिया कि अब इसमें बिना, मैंने उस केस में जो IO भी होगा वो भी SC ST होगा। तो ऐसी स्थिति में, उस स्थिति से निपटने की आप लोगों की क्या रणनीति होगी? वहाँ पे भी समानता की जरूरत है, वहाँ पे भी समानता की ज़रूरत है कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो किसी भी वर्ग, किसी भी जाति से आता है तो वो रोकना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो। हम इसकी समानता के बारे में ही बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल समानता की बात कर रहे हैं कि आप चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो प्रमोशन हो, हर जगह समानता लाइए, लोगों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए, लोगों को जो होपलेसनेस की खाई में
जो असंतुष्टता की खाई में मत ढकेलिए, क्योंकि इससे देश आगे नहीं जाएगा, देश प्रगति नहीं करेगा। अब आप एक प्रगतिशील देश की तरफ बढ़िए, और प्रगतिशील देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग समानता की बात करें, इक्वालिटी की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ ईसा गुप्ता, ईसा झा जी थी जो समानता आंदोलन की बात कर रही है। अब ऐसे में अब आगे देखना होगा कि ये लोग किस तरह से इस मूवमेंट को आगे ले जाती हैं।